इस बजट में सरकार के पास से उम्मीद है फिस्कल प्रूडेंस की, बट हर कोई कहता है कि मुझे सरकार से टैक्स में रियायत चाहिए, और हर कोई ये भी कहता है कि सरकार को खर्चा करना चाहिए। तो एक तरफ से खर्चा बढ़ाना है, दूसरी तरफ से टैक्स कम करना है, तो फिस्कल प्रूडेंस का पाथ कैसे अपनाया जाए? तो मेरी तरफ से कुछ सजेशन है फिनांस मिनिस्टर जी को कि ये तरीके से आप इनकम बढ़ा सकते हैं विदाउट रेजिंग टैक्सेस। एक है बोनस ट्रिपिंग का रूट। इस लीगल रूट को अपना के बहुत सारे लोग कैपिटल गेन्स टैक्स पेने से अवॉइड करते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जहां पे बोनस शेयर की वैल्यू ज़ीरो की कर दी जाती है, जैसे भारत में किया जाता है। अगर सरकार बोनस शेयर्स की वैल्यूएशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके आए, तो मेरे हिसाब से उन्हें सालाना 15 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की आवक होगी। दूसरी चीज़ है, सरकार के पास VSNL करके एक कंपनी थी, 2002 में उसका डाइवेस्टमेंट हुआ, बट उसके अंदर 700 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पड़ी है जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 से 15,000 करोड़ के आसपास है। अगर आप उस ज़मीन को इस साल मोनेटाइज कर सकते हैं तो उतनी आवक आपको हो जाएगी। पिछले दशक में हमने सिगरेट के ऊपर टैक्सेशन रेट बढ़ाते रहे, तो आज वो रेंज तकरीबन 55 से 60 टाइम हो गई है। नॉन सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन बहुत कम है, जबकि सिगरेट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एक इल्लीगल सिगरेट की बड़ी स्मगलिंग चालू हो गई है, और जब इल्लीगल स्मगल सिगरेट भारत में आती है तो सरकार को कोई आवक नहीं होती। अगर हम नॉन सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स और सिगरेट की टैक्सेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, तो ये जो इल्लीगल स्मगल सिगरेट भारत में आती है वो कम हो जाएगी, और उसके ऊपर जो टैक्स की आवक होगी वो पूरी सरकार को मिल सकती है। मेरे अनुमान से ये तकरीबन 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा की आवक हो सकती है। भारत में जो इनकम टैक्स लगता है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ही लगता है, एंड उस वजह से कई HNIs एग्रीकल्चर इनकम दिखा के अपने टैक्स में अवॉइडेंस कर देते हैं। एक गरीब किसान को टैक्स एग्जम्पशन मिले, उसके ऊपर कोई दोराह नहीं हो सकता, बट अगर एक अमीर किसान को भी टैक्स के ऊपर कंसेशन मिलता है तो शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं है। किसी भी सरकार ने आज तक एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं की है, बट अगर अमीर आदमी चाहे एग्रीकल्चर इनकम बनाए या नॉन एग्रीकल्चर इनकम बनाए, टैक्स तो उसे दोनों इनकम पे देना चाहिए। सो इफ़ गवर्नमेंट कैन लॉन्च एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑन रिच फार्मर्स, दैट विल ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट कलेक्ट लॉट ऑफ मनी। हमें RBI के बैलेंस शीट को सुदृढ़ रखना ज़रूरी है, बट एक्सेसिवली सुदृढ़ रखना उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना उस बैलेंस शीट में से कुछ पैसा लेके हम इकोनॉमी में निवेश करें तो बेनिफिट मिलेगा। सो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड हुए, पोर्ट्स हुए, एयरपोर्ट्स हुए, पावर प्लांट्स हुए, ये इन्विट्स के थ्रू या किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्टर्स को बेचें, और उसमें से पैसा रेस करके वापस इन्हीं क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स, ग्रास रूट प्रोजेक्ट्स में लगाएं। इनसे उनके पास पैसा भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट का जरिया भी बनेगा। ये ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स हैं जो सरकार लेके बजट की जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो पूरी कर सकती है। टैक्स का रेट बढ़ाए बगैर सरकार के पास आवक होगी, वो खर्चा कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एंड येट फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपना पाएंगे।